जो के आपने इन फ्यूचर यूज करने हैं ये वही कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, लेबल है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है। जो HTML सर्वर कंट्रोल में डिस्कस किए हैं ये वही हैं, बट ये इनहेंस्ड हैं। इनको यूज करना इजी है, ठीक है, उनके ऊपर चीजें अप्लाई करना, सर्वर साइड की उनको एक्सेस करना, उनके एट्रीब्यूट, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करना, ये इजी है एज कंपेयर टू आपके HTML सर्वर कंट्रोल्स। तो आज हम इनको स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10 स्लाइड्स है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि ये 3 डेज तक जाएगा। मैं इसको खत्म करना चाहूंगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म कर लूं, बट मैं आज हार्डली आपको 3 कंट्रोल्स करवाऊंगा। एक ये स्लाइड और एक इससे आगे वाली स्लाइड। मुझे कुछ शौक है कि मैं एक एक स्लाइड के ऊपर आपका आधा आधा घंटा लगाऊं। मैं स्टार्ट हो जाऊं इधर से, रेडुआ स्टार्ट करूं, जी लेबल होता है, दिस 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 ये प्रॉपर्टीज है, और मैंने एक मतलब अपना मोटो सेट किया हो कि आज 5 स्लाइड पढ़ानी है और नेक्स्ट क्लास में 5 स्लाइड पढ़ानी है, चले जी जाए। फर्स्ट डे आपको बताया था कि ये जो कोर्स है आपके अकॉर्डिंगली, मुझे नहीं आइडिया कि कौन बच्चा इसको किस तरह ले रहा है, बट मैं इस कोर्स को जस्ट आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपकी कोई प्रैक्टिकल, आपके अंदर कोई लर्निंग, कोई नॉलेज आपके अंदर आ जाए। थ्योरी तो आप लोग 6 सेमेस्टर तक पता नहीं कितने सब्जेक्ट पढ़े होंगे। अगर कोई प्रैक्टिकल वाला पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट इसके अंदर तो जितना मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकता हूँ उतना तो करूँ। बट अगर आगे से रिस्पॉन्स इस तरह का है कि वही 4-5 बच्चे क्लास में हैं जिनको मतलब चीजें आती हैं, उन्होंने पहले से तो नहीं ईईडी पढ़ी हुई, आपके साथ ही उन्होंने भी स्टार्ट किया है, बट क्या है वो डेली बेसिस के ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा करते करो बट करो तो सही। ये एट द एंड इतना ज्यादा कोर्स हो जाएगा इसका कि कवर ही नहीं होगा। और मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं मिड का स्किप नहीं करता, फाइनल में जो चीज स्किप करता हूँ वो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, वो जो इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड है। आपके लिए ओपन है क्या? सर आज आपने असाइनमेंट भी देनी थी, आपने कहा था आज आप जी असाइनमेंट देंगे जो। जी जी वो मुझे याद है, मैंने रेगुलर वालों को भी कहा है। असाइनमेंट का एक्चुअली ये है कि अभी ड्यूरिंग क्लास तो नहीं दूंगा, बट शाम तक मैं या कल सुबह मैं ना उसका मतलब प्रॉपर क्या आप लोगों ने बनाना है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आपके पास टाइम है उसका मंडे तक का। असाइनमेंट का ओके जस्ट सर, पर्पज ये है कि आपकी लर्निंग हो। और असाइनमेंट कुछ इस तरह से करनी है, आपने हर एक बंदे ने इंडिविजुअली मुझे उसको मेल करना है, बट मेक श्योर कि मैं जिस दिन मंडे वाली क्लास होगी ना उस दिन मैं किसी बच्चे को भी कह सकता हूँ कि स्क्रीन शेयर करो और मुझे लैपटॉप के अंदर जो भी अपनी मशीन है वही असाइनमेंट जो मुझे मेल की हुई है वो रन करके दिखाओ और मुझे बताओ ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन क्या कर रही है। तो मतलब अगर किसी ने कॉपी पेस्ट किया, किसी का वीडियो स्टूडियो नहीं चल रहा था, उसने यहाँ इधर उधर से ले लिया, तो उसके लिए फिर मसला बनेगा। उस वक्त मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि भाई मेरा लैपटॉप खराब था तो मैंने फलां के लैपटॉप में कर लिया, क्योंकि मैं बड़ी दफा पूछ चुका हूँ बच्चों से कि भाई सब ने इंस्टॉल कर लिया और ऑलमोस्ट सभी ने कहा है कि भाई इंस्टॉल कर लिया होगा। मतलब मैंने कल कहा भी था अगर किसी की क्यूरी है तो मुझे स्क्रीन शॉट सेंड करे, तो किसी बच्चे ने भी कोई मतलब मेरे पास क्यूरी नहीं आई कि ये मेरा मसला है इस तरह का कोई भी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबके पास वीडियो स्टूडियो इंस्टॉल्ड है और बेसिक्स ही होगी। बेसिकली चेक एंड बैलेंस मैं इस तरह कर सकता हूँ, आप लोग क्लास में होते तो वहाँ कुछ और वे होता कि मैं एक ही दिन में चेक कर लेता हूँ सबके, बट यहाँ नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो वो असाइनमेंट का मैं कर सर दूंगा। हाँ जी, मैं जस्ट कल की बात कर रहा हूँ, जिसकी क्यूरीज मुझे आती है मुझे पता होता है कि इस बच्चे ने मुझे क्यूरी की हुई है, तो वो एक अलग है। वो ये नहीं है कि क्यूरीज आती नहीं है, बट वही है कि वही है 2-4 बच्चे जिनकी क्यूरीज होती हैं, उसके अलावा पता नहीं सारे माशाल्लाह पहले से ही लाइक हैं। एक दफा समझाने समझ आ जाए, अच्छी बात है अगर क्यूरी नहीं है कर रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि जिसकी क्यूरी नहीं आती उसको नहीं आता,
अब कहीं ऐसे बच्चे हैं बच्ची हैं जो मतलब मैं क्वेश्चन करूँ तो वो आंसर देती हैं आगे से, या बच्चे देते हैं आंसर, तो ये नहीं है कि मुझे मतलब मुझे क्यूरी नहीं आती तो उनको नहीं आता क्यूरी, मतलब कोई इशू बने तो वही क्यूरी बनेगी ना आपकी, अगर इशू नहीं है तो देन किस चीज की क्यूरी है। बट ये फिर आगे से रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का हो कि पूछो तो मैं तैयारी नहीं है, मैं बिजी था, मैं कल करूंगा, ये उस लिए मैं कह रहा हूँ। तो असाइनमेंट मैं दे दूंगा अपने एंड के ऊपर करें, थोड़ी कर लें, टूटी फूटी कर लें, बट अपने लिए ना कि एक ने कर लिया और दूसरा कि एक मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर बेसिकली सेकंड चैप्टर की ही इन्हेंसमेंट है। सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है HTML सर्वर कंट्रोल्स को, एंड थर्ड चैप्टर बेस करता है वेब सर्वर कंट्रोल्स को, जो कि आपके एक्चुअल ASP.NET के कंट्रोल्स हैं। इसमें क्या है, सेकंड चैप्टर के अंदर लेबल लगाया, टेक्स्ट बॉक्स लगाया, बटन लगाया, थर्ड चैप्टर के अंदर भी ये चीजें करनी है, बट इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल्स हैं जो हम लोगों ने लगाने हैं। और एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ चीजें इजी हैं एज कंपेयर टू सेकंड चैप्टर के। फिर क्वेश्चन ये भी आएगा कि सेकंड में भी ये किए हैं, थर्ड में भी किए हैं, तो क्यों? तो जो चीज इजी होती है, जिसके अंदर ज्यादा फीचर होते हैं, वो चीज हमेशा अडॉप्ट की जाती है। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ऑटोमेटिकली ही ये वेब सर्वर कंट्रोल्स को प्रेफर करोगे ऑन HTML सर्वर कंट्रोल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट कंट्रोल से, जो है लेबल। लेबल आप लोगों ने वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर भी यूज किया होगा, एंड लास्ट चैप्टर के अंदर भी मैंने लेबल लगाया था, जहां मैंने वो ऊपर हेडिंग दी थी फर्स्ट नेम एंड नीचे लास्ट नेम। लेबल क्यों यूज करते हैं? लेबल बेसिकली आपका एक आउटपुट कंट्रोल है, नॉट एन इनपुट कंट्रोल। आपने कभी भी किसी भी पेज के ऊपर लेबल नहीं देखा होगा कि जिसमें बताया गया हो कि इस लेबल के अंदर अपना नेम या अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करो, बट लेबल यूज होता है आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि प्लीज एंटर योर नेम या इस तरह का जो भी है, ठीक है। अब जब भी लेबल लगाते हैं, यहाँ ASP.NET वाला जो लेबल लगाएंगे, वो जब भी लगाएंगे तो अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे या व्यू सोर्स कोड करेंगे, तो उसको देखेंगे कि लगाया तो लेबल, बट वो HTML में स्पैन नजर आ रहा है। देखिए, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो स्पैन नजर आ रहा है, वो लेबल नजर आ रहा है, वो डिव बन गया, हमें अगर इन सिंपल वर्ड देखा जाए तो हमारा उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस चीज से है कि अगर मैंने उसके अंदर लेट्स सपोज लिखा हेलो वर्ल्ड, तो वो ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले हुआ कि नहीं हुआ? वो हुआ। मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसने उसको स्पैन बना दिया लेबल को, या उसने उसको लेबल ही रखा, या उसको डिव रखा। एज अ फ्रंट एंड यूजर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मैंने एक लेबल लगाया, वो स्पैन बन गया, टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया, तो प्रोग्रामर को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि लेबल ब्राउजर में डिस्प्ले होने के बाद स्पैन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर रेंडरिंग। प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं बनता, कोई अपना मतलब जितनी किसी को समझ लगती है उस शेयर करना चाहता है कि पता होना चाहिए तो क्यों पता होना चाहिए। हाँ जी दानिश बच्चे बताएं। सर जी उसको इसलिए पता होना चाहिए कि हेलो आवाज आ रही है। हाँ जी बोले आवाज आ रही है।
सर उसको पता होना चाहिए कि जब वो अपना दोबारा कोड रिविजिट करेगा और मतलब वो कोड में देखेगा तो स्पैन नजर आएगा उसको, तो उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि ये जो स्पैन है वो लेबल की वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। नहीं नहीं बच्चे देखिए पता क्या है, कोड में हमेशा लेबल ही रहेगा, वो जब मर्जी आए कोड में लेबल ही रहेगा। जब भी वो पेज रन होगा ना, रन होने में फिर वो रेंडर होता है, ब्राउजर में जब उसको व्यू सोर्स कोड करके देखेंगे ना तो वहां लेबल नहीं मिलेगा, बट वहां एक स्पैन मिलेगा, उसकी आईडी वही होगी जो लेबल को दी होगी। लेबल स्पैन में तब कन्वर्ट होता है जब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होता है, कोड में वो हमेशा लेबल ही रहेगा। हाँ जी कोई और कोई बताना चाहेगा, जैसे जो माइंड में आ रहा है। लेस देन अ मिनट रह गया, रीजॉइन करते हैं तो देन बताते हैं कि पता होना चाहिए एंड क्यों पता होना चाहिए।